जहर के बाद अब औषधि वाले अमृत की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है? आपने राष्ट्रीय फूल के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी सुना होगा, राष्ट्रीय पशु के बारे में भी शायद आपको पता होगा, लेकिन देश में पहली बार राष्ट्रीय औषधि यानी राष्ट्रीय दवा के रूप में गिलोय को प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष विभाग ने यह तय किया है कि गिलोय के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसे राष्ट्रीय औषधि के रूप में दुनिया भर में पहचान मिल सके। आप में से बहुत से लोगों ने गिलोय का नाम जरूर सुना होगा। गिलोय मुख्य रूप से एक वनस्पति है जिससे आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अपने खास गुणों की वजह से गिलोय को आयुर्वेद में गुणुची और अमृता भी कहा जाता है। होम्योपैथी में भी गिलोय से खास दवाएं तैयार की जाती हैं, जिससे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, एलर्जी और अस्थमा का इलाज किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी गिलोय का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि लंका में भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम की सेना के कई वानर मारे गए थे, जिन्हें दोबारा जीवित करने के लिए श्री राम ने अमृत वर्षा का आह्वान किया। इसके बाद आकाश से अमृत वर्षा हुई जिससे वानर जीवित हो गए। प्रतीकात्मक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अमृत वर्षा की जो बूंदें जमीन पर गिरी वहां गिलोय के पौधे उगाए। यानी अगर इस कथा के चमत्कारों को एक तरफ रख दिया जाए तो भाव ये है कि गिलोय के गुण अमृत के समान है, चमत्कारिक है। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि गिलोय को गुणों का भंडार क्यों कहा जाता है और इससे किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। गिलोय मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर के हर अंग के लिए गिलोय एक लाभकारी औषधि है। गुजरात के एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में लाइफ स्पैन यानी जीवन चक्र को बढ़ाने की विधियों पर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में कुछ मक्खियों पर 30 दिन तक गिलोय पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे मक्खियों का जीवन काल 85 दिन का हो गया, क्योंकि आम तौर पर मक्खियों का जीवन काल सिर्फ 25 से 30 दिन का होता है, लेकिन गिलोय की वजह से ये 85 दिन का हो गया। बाद में इस रिसर्च को नेदरलैंड्स के एक हेल्थ केयर जर्नल में प्रकाशित किया गया। डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार को ठीक करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट गिलोय लेने की सलाह देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित रोगियों का शुगर लेवल ठीक करने के लिए भी गिलोय के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनने में मदद मिलती है, जिससे